वेलकम फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एडोब फोटोशॉप सीसी 2019 का 12वां वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इरेजर टूल के बारे में। इरेजर टूल का वीडियो मैं पहले से बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इरेजर टूल का इस्तेमाल करके एक से अधिक बैकग्राउंड को मिक्स करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ इमेज डाउनलोड कर लिया है। इमेज मैंने pixel.com से जाकर डाउनलोड किया है, वहाँ से आप भी बिल्कुल फ्री के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इरेजर टूल अप्लाई करने से पहले मैं इस इमेज को इस बैकग्राउंड पर लाता हूं। तो कैसे लाएंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉ करके मैं यहां पर छोड़ देता हूं, तो ये बैकग्राउंड यहां पर आ जाता है। दूसरा तरीका है कि मैं इसको पहले कंट्रोल जेड कर लेता हूं और यहां पर आते हैं, कंट्रोल ए से मैं सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से भी आप इमेज को यहाँ पर ला सकते हैं। अब मैं टूल्स में जाता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इरेजर टूल। इरेजर टूल का शॉर्टकट की ई है, कीबोर्ड से आप ई प्रेस करके भी इरेजर टूल सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इरेजर टूल सेट किया है, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। यहाँ से थोड़ा सा मैं समझ लेता हूँ, यहाँ से इसकी साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ब्रश की साइज़। और ये ऑप्शन है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस का, अगर इसको मैं बढ़ा देता हूँ तो ये ब्रश हार्ड इरेज कर रहा है इस तरीके से, इसको मैं कम कर लेता हूँ तो सॉफ्ट इरेज करता है। तो मैं सॉफ्ट यहाँ से कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको मिल जाता है ओपासिटी। ओपासिटी में यहाँ से 100 कर देता हूँ, अभी फ़िलहाल हमें 100 पर इरेज करना है। जैसी आवश्यकता पड़े इसको आप कम भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं 100 कर ले रहा हूँ और फॉलो को भी 100 रखते हैं। अब मैं इसको सिंपली इरेज करता हूँ। उससे पहले आपको एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर हमें लेयर वन इरेज करना है तो लेयर वन को सिलेक्ट करना है, और बैकग्राउंड को इरेज करना है तो बैकग्राउंड को ऊपर करना है और फिर बैकग्राउंड को इरेज करना है। तो मैं लेयर वन को सिलेक्ट करता हूँ और सिंपली मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इरेज करते समय आपको अगर ब्रश की साइज़ छोटी बड़ी करनी पड़ी तो आप माउस से राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा और सिंपली यहां से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की भी आप अपना सकते हैं। तो शॉर्टकट की क्या है, कीबोर्ड से बड़ा ब्रैकेट ओपन से आप प्रेस करेंगे तो इसकी साइज़ छोटी होगी, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इसकी साइज़ बड़ी होगी, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको फटाफट इरेज कर लेता हूँ। और जहाँ पर आपको ओपासिटी कम करने की आवश्यकता पड़े वहाँ पर आप ओपासिटी कम भी कर सकते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ कंट्रोल प्लस से, और थोड़ा सा बारीकी से हम इरेज करते हैं। बड़ा ब्रैकेट ओपन से मैं इसकी साइज़ छोटा कर ले रहा हूँ। अब मैं इसको परफेक्ट तरीके से इरेज कर दे रहा हूँ। आप इमेज को जूम करके इरेज करें, जहाँ पर आपको आवश्यकता पड़े कि ब्रश की साइज़ छोटी या बड़ी करनी है वहाँ पर छोटा बड़ा करके आप इरेज करें, और ओपासिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम इरेज करना है तो आप ओपासिटी कम भी कर सकते हैं, यानी कम कर लिया आप इसको इरेज करते हैं। तो मैंने इसको इरेज कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इस बैकग्राउंड में यह बिल्कुल मिक्स नज़र आ रहा है। इसकी साइज़ थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक फ़ोटो इंसर्ट कर लेता हूँ, तो इस फ़ोटो को ड्रैग एंड ड्रॉ करके मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। साइज़ इसकी हम कॉर्नर से छोटा करता हूँ। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आप शिफ्ट की प्रेस करके कॉर्नर से छोटा करेंगे, अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो इस कॉर्नर से डायरेक्ट आप छोटा करेंगे। और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। चाहे तो आप इसको फ़ोटो को भी आप इरेज कर सकते हैं नीचे की साइड, अगर आपको ब्लर करना हो। मैं एक बार इसको करके देख लेता हूं। तो इरेजर टूल सेट करेंगे कीबोर्ड से ई प्रेस करके, और सिंपली मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप इसको इरेज कर सकते हैं, लेकिन बिना इरेज किए हुए फ़ोटो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको मैं कंट्रोल सेट कर देता हूं और कुछ इमेज और इंसर्ट करते हैं, उसको भी इरेज करते हैं इसी तरीके से। तो मैंने इस इमेज को इंसर्ट कर लिया है, इसको भी इरेज करते हैं। तो यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉ करके लाता हूँ, इसकी साइज़ मैं छोटी कर ले रहा हूँ कॉर्नर से। अब मैं इसके बैकग्राउंड को इरेज करते हैं, तो इरेजर टूल सेट कर लेंगे और इसको इरेज कर देते हैं सिंपली। ओपासिटी मैं 100 कर ले रहा हूँ और फॉलो को भी 100 रखेंगे। तो इस तरीके से आप कितना अच्छे से फटाफट आप इरेज कर सकते हैं और एक से अधिक बैकग्राउंड को मिक्स कर सकते हैं।
मैं इस फोटो को ऊपर के साइड यहाँ पर रख लेता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे के साइड कर देते हैं यहाँ पर, और इसके लेयर को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, फ़ोटो के लेयर के नीचे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से भी आप फ़ोटो मिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने इरेजर टूल का इस्तेमाल करके एक से अधिक फ़ोटो को मिक्स कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें और इससे अच्छे अच्छे फ़ोटो को आप भी मिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।